नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज से 25 दिसंबर तक मोदी सरकार मनाएगी सुशासन सप्ताह। हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े और हर नागरिक के जीवन में सरकार का दखल कम हो। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र में हेमंत सरकार दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं विपक्ष अवैध माइनिंग विधि व्यवस्था, बिजली सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। आज से RBI दे रहा है सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका। बता दें कि यह वित्त वर्ष 2022-23 का तीसरा गोल्ड बॉन्ड है, जिसका आप आज से 23 दिसंबर तक लाभ उठा सकते हैं। आज कानपुर पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और पन्ना जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम ने कहा कि पुलिस के अत्याचार के खिलाफ वो आज अकेले ही जिला SP कार्यालय के बाहर धरना देंगे। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर आज कांग्रेस ले सकती है फैसला। संभावित है कि पहले चरण में 8 ही मंत्री शपथ लेंगे। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी आज से संभालेंगे पदभार। बता दें कि वह सीमा सुरक्षा बल BSF पूर्वी कमान के ADG के पद पर कार्यरत थे। भट्टी सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर चर्चा में आए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 19 से 24 दिसंबर तक नागपुर दौरे पर रहेंगे, जहां राज्यपाल आज शाम 5:15 बजे विमान से नागपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगे। इस दौरान वे यहां के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार माता पिता सहित 4 लोगों को रौंदा। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर FIR किया दर्ज। बिहार में शराब से हुई मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गई है, जहां सुशील मोदी ने कहा मरने वालों की संख्या छिपा रही है नीतीश सरकार। आज भारतीय किसान संघ दिल्ली में गर्जना रैली करने जा रही है। वहीं जाम से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है, उसे फॉलो करें। पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। जहां बॉर्डर पर मिल रहे हैं नशीले पदार्थ और गोला बारूद, तो शहरों में चोरों का है आतंक। वहीं अज्ञात चोरों ने चोरी के लिए जालंधर रोड पर स्थित 4 दुकानों को निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेलवे के अस्पतालों में अब 80 साल से अधिक उम्र वालों को नहीं लगना होगा कतार में, सीधे डॉक्टर से मिलने की मिलेगी अनुमति। झारखंड में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए एक तरफ जहां सेना के जवान और झारखंड पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों ने भी जगह जगह विस्फोटक बिछा रखे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दी शिवराज सरकार को चेतावनी। कहा कांग्रेसी कार्यकर्ता पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो जेल भरो आंदोलन करेंगे शुरू। विजय मर्चेंट क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश ने जम्मू कश्मीर को 273 रनों से करारी शिकस्त दी। इस जीत में भावी गोयल ने उत्तर प्रदेश की ओर से सर्वाधिक 65 रन की पारी खेली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 24 दिसंबर को IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। रह चुके हैं बंगाल के राज्यपाल। महाराष्ट्र सरकार लाएगी लोकायुक्त बिल। अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को दी गई मंजूरी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र के लोकपाल कानून की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी होगा लोकायुक्त कानून, जिसके दायरे में मुख्यमंत्री और मंत्री भी आएंगे। राजस्थान में राज्य सरकार के कोई भूखा ना सोए संकल्प के तहत वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां उन्होंने धावकों से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ जिला महिला अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सड़क किया जाम। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने परिजनों को आरोपित के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। तो ये थी सुबह की कुछ ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।